गाइस क्या आपको भी माइक्रो नीच वेबसाइट और नीच वेबसाइट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि माइक्रो नीच वेबसाइट क्या होती है या फिर नीच वेबसाइट क्या होती है या फिर इन दोनों वेबसाइट पे काम कैसे किया जाता है, कौन सी वेबसाइट हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देगा, ठीक है, आने वाले कुछ मंथ के अंदर कौन सी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अगर बनते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर करेंगे कि आपको कौन सी वेबसाइट पे काम करना चाहिए, माइक्रो नीच वेबसाइट पे या फिर नीच वेबसाइट पे। ओके, तो दोनों वेबसाइट का हम एग्जांपल लेंगे और आपको पूरा बताएंगे डीपली कि माइक्रो नीच वेबसाइट क्या होती है, नीच वेबसाइट क्या होती है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, किस पे काम करना चाहिए, किस वेबसाइट पे काम करके आप अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो, साथ में आप उस पे अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो। तो ये सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। बस आपको करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर देना है जो कि आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो जहां पर मेरा ये आइकन दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो बस आपको सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर देना है तुरंत, ताकि मैं इजीली आप लोगों को समझा सकूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ओके, प्रोसेस मींस ये जो पूरा माइक्रो नीच और नीच का जो पूरा कंफ्यूजन है ये कैसे दूर होगा और कैसे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी माइक्रो नीच और नीच की। ओके, तो चलो जानते हैं माइक्रो नीच और नीच वाले के वेबसाइट्स के बारे में। ओके, तो देखो जैसे कि हम यहाँ पर एक कीवर्ड को ले रहे हैं शायरी। ओके, तो शायरी हमने कीवर्ड लिया। अब यहाँ पर ये समझ लो कि जैसे मान लो हमने कोई शायरी के रिलेटेड वेबसाइट बनाई। ओके, तो अब शायरी एक वेबसाइट मतलब कीवर्ड है, इस शायरी मतलब एक तरीके से समझ लो नीच वेबसाइट है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे काम करना जो कि एक कैटेगरी वाइज है, जैसे शायरी एक कैटेगरी है, शायरी, स्टेटस, क्वाइट्स, ये सब एक कैटेगरी है। अब शायरी के अंदर कई शायरी आती हैं जो कि होंगी लव शायरी, हिंदी शायरी, रोमांटिक शायरी, फन शायरी, तो ये सभी चीजें जो हैं ये आपको एक नीच के अंदर मिलेगी, जो नीच वाली वेबसाइट्स हैं उनके अंदर मिलेगी। ओके, तो जो नीच वाली वेबसाइट्स हैं उनके अंदर आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आप जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड देख रहे हो जैसे कि शायरी, लव शायरी, हिंदी शायरी, सैड शायरी, रोमांटिक शायरी, उर्दू शायरी, शायरी लव, तो ये सभी जो है माइक्रो नीच वेबसाइट में नहीं, आपको नीच वाली वेबसाइट में देखने को मिलेगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जो ये शायरी FM वेबसाइट है। यहाँ पर देखो ये एक नीच वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हुआ ये है कि इस बंदे ने शायरी से रिलेटेड शायरी कैटेगरी पे अपनी पूरी वेबसाइट बनाई है और पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स को जैसे हिंदी शायरी, लव शायरी, सैड शायरी, फनी शायरी, टू लाइन शायरी और ऑल शायरी, इन सभी शायरी के ऊपर इसने पूरा अपना काम किया है, मेहनत किया है और एक कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी पे काम करके अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ रहा है। ओके, और वहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रो नीच वेबसाइट की, तो आप ये समझ लो कि जो माइक्रो नीच वेबसाइट होती है वो पर्टिकुलर किसी एक कीवर्ड को टारगेट करके बनाई जाती है। अब जैसे कि नीच वेबसाइट पे होता यह है कि आपने शायरी कैटेगरी पकड़ ली, अब शायरी के अंदर जितनी भी अंदर कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, उन कीवर्ड्स पे काम करने को आपको मौका मिलेगा, आप उन सभी कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। बट माइक्रो नीच पे क्या है कि आप शायरी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हमें यहाँ पर रोमांटिक शायरी, शायरी गुलजार, ठीक है, शायरी हिंदी, लव शायरी, तो इन कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड को पिक करके उसके ऊपर काम करना है। जैसे हमने पकड़ लिया रोमांटिक शायरी, तो हम रोमांटिक शायरी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होंगे या फिर इसके अंदर जितने कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करके एक माइक्रो नीच वेबसाइट बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक वेबसाइट देख सकते हो शायद शायरी हिंदी, तो ये एक माइक्रो नीच वेबसाइट है। यहाँ पर देखो लिमिटेड कंटेंट है, केवल 5 कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे और ये जो वेबसाइट है इसने पर्टिकुलर एक सैड शायरी हिंदी कीवर्ड्स को टारगेट करके अपनी माइक्रो नीच वेबसाइट बनाई है। और वहीं दूसरी तरफ एक शायरी नीच वेबसाइट है जिसने शायरी कैटेगरी को टारगेट करके पूरी एक वेबसाइट बनाई है और अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ रहा है। ओके, तो ये पूरा डिफरेंस है शायरी वेबसाइट, मतलब नीच वेबसाइट और माइक्रो नीच वेबसाइट में। अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, किस वाली वेबसाइट में ग्रोथ है, किस वाली वेबसाइट में ज्यादा पैसा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं कि किस वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक है, किस वेबसाइट में ज्यादा पैसा है, किस वेबसाइट की जल्दी ग्रोथ है। ओके, तो देखो कॉमन सी बात है, जिस वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट होंगे और जहां पर यूजर हमेशा आते रहेंगे और जो वेबसाइट हमेशा कंटेंट पब्लिश करेगी,
हमेशा एक्टिव रहेगी अपनी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट जल्दी से जल्दी ग्रोथ लाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ माइक्रो नीच वेबसाइट की, तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिमिटेड कंटेंट हैं, आप मैक्सिमम 10 से 12 कंटेंट या फिर 20 कंटेंट ही लिख पाओगे किसी माइक्रो नीच कीवर्ड पे। और वहीं अगर आप किसी कैटेगरी को टारगेट करके ही काम करते हो, तो उसमें आपको आराम से बहुत कीवर्ड मिलेंगे। और लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट के ट्रैफिक का दिखाया है कि यहाँ पर देखो 7.5, ठीक है, आराम से आप देख सकते हो 7.5 लाख के ऊपर का ट्रैफिक है यहाँ पर। और वहीं पर ये माइक्रो नीच वेबसाइट है जिसको बने 2 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी तक ये रैंक भी नहीं हुई है, इसके कई कुछ कीवर्ड भी नहीं रैंक हुए हैं। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि इस पे कोई एक्टिवनेस नहीं है। 5 कंटेंट पब्लिश हैं, ओके, गूगल का जो क्रॉलर है उसने एक बार इसको क्रॉल कर लिया, देन उसके बाद उसको क्रॉल करने के लिए कुछ चीज ही नहीं है कि वो इस वेबसाइट पे आए क्रॉल करे और कुछ चीज और वो इम्प्रूव कर सके साइट की। और वहीं अगर नीच वेबसाइट है तो उसे डेली कंटेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, जिस वजह से डेली जो क्रॉलर है वो डेली आएगा और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखेगा अपनी साइट में कि जो यूजर की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, बैकलिंक्स या फिर कुछ अदर कैटेगरी जो उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं या फिर आर्टिकल को जो एडिट किया है। तो इस बेसिस पे गूगल क्या करेगा, वेबसाइट को रैंकिंग देगा, ओके। और वही जो माइक्रो नीच वेबसाइट है, यहाँ पर क्या है कि आप बैकलिंक बनाओगे, पीबीएन बैकलिंक बनाओगे, गेस्ट पोस्ट करोगे, काफी मेहनत करोगे और फोर्स करोगे गूगल को कि इसे इंडेक्स करे और इसे जल्दी से जल्दी रैंक करे, तब कहीं जाकर आप अपने इस कीवर्ड वाली वेबसाइट को गूगल के सर्च में ला पाओगे, ओके। मैं अगर सर्च प्रेफरेंस की बात करूं, सर्च इंजन कंसोल की बात करूं, तो यहां पर क्या है कि आप देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट पे डेली अच्छे कंटेंट पड़ रहे हैं तो जो क्रॉलर है वो खुद ब खुद आपकी वेबसाइट पे आता रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बंदा अपनी साइट पे एक्टिव है और डेली कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इस वजह से वो डेली आएगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है या फिर जो आपकी वेबसाइट की जितनी भी इश्यू है उनको दूर करके उन्हें वो बूस्ट देगा और आपके जो आर्टिकल्स हैं वो जल्द से जल्द गूगल पे आएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं किसी माइक्रो नीच कीवर्ड की या फिर माइक्रो नीच वेबसाइट की, तो वहां पर ये होगा कि आपको बूस्ट तो मिलेगा बट बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गूगल के पास कुछ ऐसा कंटेंट ही नहीं है, गूगल के पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे गूगल देखकर आपकी वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट बढ़ाए और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग दे, ओके। तो इसलिए जो माइक्रो नीच वेबसाइट है यहाँ पर बहुत मेहनत है, आर्टिकल तो कम है, आपको आर्टिकल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट बाकी जो एसईओ में मेहनत है वो बहुत ज्यादा है। और वहीं अगर मैं कैटेगरी वाइज नीच वेबसाइट की बात करूँ, तो वहां पर आपका जो मेहनत है वो बहुत कम है, आप वहां पर केवल कंटेंट पब्लिश करो, एक्टिव रहो, कुछ इम्प्रूवमेंट लाओ अपनी साइट में और कुछ बैकलिंक्स बनाओ, आपको गूगल पुश करेगा और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। बट माइक्रो नीच वेबसाइट में आप बहुत फोर्स करोगे गूगल को कि गूगल मेरे कीवर्ड्स को इंडेक्स करे, उस सर्च में फर्स्ट पेज पर लेकर आए, तब कहीं जाकर आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करेगी गूगल पे और आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आएगा। इसलिए मेरा तो यही प्रेफरेंस रहता है हमेशा कि आप किसी ब्रॉड कैटेगरी को पकड़ो, जैसे आपको अगर शायरी पे काम करना है तो आप शायरी पे काम करो, पूरी कैटेगरीज के जितने भी कीवर्ड्स हैं सबको टारगेट करके काम करो। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो नीच पर जाना चाहते हो खाली ट्रैफिक देखकर, तो जा सकते हो, आपको वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एसईओ से रिलेटेड। और बेसिकली कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स बता रहा हूँ, कई ऐसे नए ब्लॉगर हैं जिनको एसईओ की स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होती है, बैकलिंक्स की नॉलेज नहीं होती है, रैंकिंग के बारे में उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह से उनकी वो जो वेबसाइट होती है वो साल भर के बाद भी रैंक नहीं कर पाती है, ओके, और उनका पूरा टाइम और पैसा सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि अगर कोई नई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो वो ब्रॉड कैटेगरी को पकड़ के टारगेट करो, ताकि आपका जो कंटेंट है वो आने वाले कुछ समय में रैंक तो हो जाए और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आने लगे, ओके। और आपकी ब्रॉड कैटेगरी रहेगी तो आपके पास एक पर्टिकुलर एक पूरा आपके एक टारगेटेड रहेगा, आपका एक टारगेट रहेगा, आपका एक गोल सेट रहेगा कि हमें डेली कंटेंट पब्लिश करना है, अपनी टारगेट जो अपनी ऑडियंस है उसे और ब्रॉड करना है और बड़ा करना है, लोगों तक कंटेंट को पहुंचाना है, और जहां जहां आपका कंटेंट पहुंचेगा वहां वहां आपकी वेबसाइट लोग देखेंगे और आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिससे आपका
ट्रैफिक बढ़ेगा और आपकी अर्निंग बढ़ेगी। इसलिए माइक्रो नीच के पीछे अभी मत भागो। अगर एसईओ की बहुत अच्छी नॉलेज है तो बिल्कुल जाओ, बट अगर नहीं है तो ब्रॉड कैटेगरी पकड़ो, उस पर काम करो और अच्छा खासा ट्रैफिक लाकर अच्छी खासी अर्निंग करो। ओके, तो मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके माइक्रो नीच और नाइच वो सॉरी नीच के, वो क्लियर हो गए होंगे कि माइक्रो नीच बेस्ट है या फिर नीच वेबसाइट बेस्ट है। तो पूरा ये जो वीडियो था इसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब करके आपको बता दिया है। बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, जहां पर मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।